Hello. Yeah, good evening, ladies and gentlemen. See, we are making this film. This is Chandni Bar 2. It's actually a sequel of Chandni Bar, which happened 15 years back. But actually, this is a pain which we want to show to the people what happened after the shutdown of the bar. The journey of a bar girl, the time of the film. सर आई यू से कि यू नो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है और ये जो टॉपिक है चांदनी बार टू तो सर ये काफी चीजों को हाईलाइट करेंगे 15 साल बाद ये मूवी आई है सर काफी एक्सपेक्ट कवर करने वाले हैं इसमें से यू नो जब बार शटडाउन हुआ था तो जो बार गर्ल्स हैं जो कितनी लड़कियां हैं जिनके से रोजी रोटी होती है काफी ऐसी चीजों पर हाईलाइट किया जाएगा सर आई विल से दैट्स रियली अ गुड पार्ट सर तो दोनों दोनों काम करते हैं मल्टी टैलेंटेड कम ऑन We will tell you about the film, about the script. As sir ne kaha ki it's a sequel of Chandni Bar. Right. It's a sequel because Chandni Bar jab open tha, उस वक्त क्या हुआ आप सब ने देखा Chandni Bar में लेकिन बंद होने के बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं बार बार आए हजारों की तादाद में कहाँ गई don't know क्यों बंद हुआ don't know कितने सारे जो जुड़े थे लोग बार से ओनर्स हो गए वेटर्स हो गए हैं और काफ़ी सारे इवन जब दादरा बारते थे उनके बार में टिपिकल दादरा बारते थे अभी सर ने बताया मुझे कि उनका उनका क्या हुआ नो नोज अबाउट इट सो दिस इज हाउ वी आर शोइंग टू द पब्लिक कि रियल में बंद हुए तो क्यों हुए अब अगर शुरू हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं आगे कुछ संदीप साहब भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्लैड कि ये फिल्म जो हम बना रहे हैं चांदनी बार टू इसका सीक्वल बोलिए या जो भी बोलिए ये जो डिसीजन आया है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का कि बास को दोबारा शुरू किया जाएगा मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन है फर्स्ट प्लेस ये कभी बंद होने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि फर्स्टली बिकॉज इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था इतनी लड़कियाँ जो आज बेरोजगार हैं उस टाइम उनके पास रोजगार था ये एक पॉइंट है और दूसरा एक है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को इतना टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता था बार से देवर अराउंड 7500 बार्स आई मीन आप अगर फिगर्स आप देखोगे तो माइंड बॉगलिंग फिगर्स है और एक नॉर्मल जिसको थोड़ा भी आईपी लेवल जिसका होगा बंदे का वो ये सोचेगा कि ये बंद क्यों किए गए हैं बार्स जब इतना टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हम ये फिल्म बना रहे हैं उन लड़कियों का दर्द ये एक डेकेड का जो दर्द है 2005 से लेकर 2016 तक ये दर्द एक अच्छी तरह से हम पर्दे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली हम एक बहुत सुलझी हुई फिल्म बनाएंगे बहुत इमोशनल फिल्म बनाएंगे एंड बस बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्म बनेगी जब ये बार बंद किया गया था 2005 में क्या वो सही डिसीजन था गवर्नमेंट का या आज जब ये रीओपन हो रहा है क्या ये सही डिसीजन है क्या वो कब गलत था और आज क्या सही है दिस इज ऑल अबाउट द फिल्म और म्यूजिक इज गिवन बाय संजीव दर्शन प्लीज कम ऑन स्टेज तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए बहुत फंटास्टिक म्यूजिक गिवन बाय साकी साहब जी प्लीज यू कम ऑन स्टेज राखी जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए संजीव चतुर्वेदी जो नवी सिस्टर है बहुत अच्छे उन्होंने गाने लिखे हैं इस फिल्म के लिए अंजन जी भी है प्लीज एक गाना उन्होंने बहुत अच्छा किया है कमाल इन सभी के लिए जोर भरा तालियां बजाइए looking at you tremendously beautiful as usual and ab jo hai surile log jo hai stage pe aa chuke hain the corona aur agar jo gana hai film ka wo hum chahte hain ki hamare music directors ko ek do teen lines sunaye aapko wow come on beautiful song and I am madly in love with these two men and
and that man who has written it, Mr. Sanjeev Chaturvedi. It's terrific, beautiful. बहुत ही हाँ एक बार और मिले तो और मजा आएगा. दर्शन भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं, साथ में गाएंगे तो और मजा आएगा. Good evening, good evening everybody. A big round of applause for the wonderful team. That's here to introduce one of the greatest, एक legendary movie आई थी चांदीबाग. अब हम उसका एक दूसरा part इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों को. एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बिकॉज जो कहानी है वो बहुत ही इमोशनल है. और एक डांस बार एक लड़की जो एक डांसर होती है उसमें कोई गलत नहीं है. मैं कहूंगा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है. एक लड़की डांस करती है और अपनी रोजी रोटी कमाती है. ये उसी फिल्म इसी चीज को, इसी जज्बे को हम इस फिल्म के थ्रू नरेट करेंगे. एंड आई एम श्योर हमारी ये टीम बहुत ही अच्छी फिल्म बना के आप लोगों के सामने बहुत जल्द प्रोड्यूस करेगी ये फिल्म. सो हमारी म्यूजिकल टीम भी, म्यूजिकल टीम हमारी खूबसूरत बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं. फिल्म जिसका बेस म्यूजिक होगा, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा मेहनत करें और बहुत खूबसूरत से गाने आप लोगों के सामने प्रोड्यूस करें. इसका एक पहला एक मुखड़ा हम सुनाना चाहेंगे. संजीव चतुर्वेदी जी ने लिखा हुआ है एंड हमने एक छोटा सा एक लाइन कंपोज की है.